वाराणसी के बस अड्डों में कंडक्टरी करने वाला एक कंडक्टर मुन्ना बजरंगी जोर जोर से आवाज लगाकर सवारियों को बुलाने वाला कंडक्टर मुन्ना बजरंगी कब बन गया समाज का दुश्मन कोई नहीं जानता। कुछ और भी लोग टारगेट पर हैं आपके? बहुत सकता है दुश्मन जो होंगे तो होंगे। दुश्मन हैं अभी आपके? दुश्मन जरूर होंगे इसी तो कुछ लोगों को मतलब कोई नाम बताएंगे किसी दुश्मन का जिसको टारगेट पर भी लेना है आगे? दुश्मन होता है उसका क्या नाम बैठ जाता ना देखने बाद देख नहीं बैठा। हाँ दुश्मन होता है दुश्मन क्या नाम लेने का? एक दो नाम अभी है कौन से दुश्मन है निशाने पर? बहुत से दुश्मन। एक दो नाम किसी का नाम बता दीजिए। नाम नहीं बताएंगे मतलब उनका खात्मा करना ही करना है निश्चित है उनका खात्मा। जब तक गिंदा रहा हूँ तब तक उनका खात्मा करता रहा। ओके बाय। तो अभी संख्या कितनी होगी लगभग? संख्या ज्यादा है। ज्यादा संख्या है। दिल्ली पुलिस ने जब उसे और उसके साथ रह रही दो महिलाओं को पकड़ा तो वो मुंबई के मलाड इलाके में एक सोसाइटी में अपना मकान लेकर रह रहा था। साथ में थी उसकी एक गाड़ी। मलाड इलाके की ये वही बिल्डिंग है जहां पर यूपी का डॉन रहता था मुन्ना बजरंगी और प्रेम प्रकाश सिंह सी विंग में वो रहता था। पहले मंजिल पर 102 नंबर फ्लैट है जहां पर वो करीब 4 साल से रह रहा है। 3 साल तक वो यहां पर किराएदार के रूप में रहा। पिछले 1 साल से उसने फ्लैट खरीद लिया था। जिससे उसने फ्लैट खरीदा है क्राइम ब्रांच इस वक्त उससे पूछताछ कर रही है लेकिन यहाँ सोसाइटी में कोई भी जुबान खोलने को तैयार नहीं है कि यूपी का इतना बड़ा डॉन यहाँ रहता था। उसकी वेरिफिकेशन नहीं हुई थी या कोई उसके बारे में कुछ भी नहीं जानता था कि उसकी दिनचर्या क्या थी कैसे रहता था क्या काम करता था। लेकिन हमारे सूत्रों के हिसाब से जो हमें पता चला है कि वो उसके पास 4-व्हीलर गाड़ी भी है उसी विंग के उसी पार्किंग लॉट में उसकी गाड़ी खड़ी रहती है। सूत्रों के मुताबिक मुन्ना बजरंगी इस घर में भले ही गाड़ी रखता हो और शान से रहता रहा हो पर वो मुंबई में ऑटो रिक्शा चलाता था। क्या कोई सोच सकता है कि मुंबई में ऑटो रिक्शा चलाने वाला एक शख्स यूपी का बड़ा डॉन हो सकता है? इस ऑटो रिक्शा में कईयों ने सवारी की होगी लेकिन किसी को इस बात का एहसास तक नहीं हुआ कि रिक्शा चालक यूपी का एक बड़ा गैंगस्टर यानी मुन्ना बजरंगी है। मुन्ना बजरंगी के बारे में इलाके के आसपास रहने वालों को कतई इल्म न था कि वो एक बड़ा अंडरवर्ल्ड डॉन है। यहाँ तक कि मुन्ना को रोज तंबाकू देने वाला पूरब का पान वाला भी उसे नहीं पहचान पाया था। उसकी वजह थी कि जौनपुर के रहने वाले इस डॉन का चेहरा पुलिस की फाइल में मौजूद उस फोटो से काफी बदल गया है जो अब तक लोगों के सामने मुन्ना बजरंगी का चेहरा लेकर आती है। देखा है कभी आता था क्या खरीदता था आपको? अब मैं बताया तो आपको हाथी चार सुरती लेते थे। कितनी सुरती लेते थे? कितनी सुरती लेते थे? 4 पुड़िया सुरती लेते। 4 पुड़िया जो हाथी चाप सुरती कितना रुपया देते थे आपको? क्या लेते थे कुछ बात करते थे? कुछ नहीं 10 की नोट देते थे 4 पुड़िया सुरती लेते थे। और सिगरेट वगैरह और कुछ नहीं? सिगरेट वगैरह मेरे पास नहीं। कभी काल कोई साथ में तो दिखाई नहीं देता था उनके। कभी बड़ा गोल्ड फ्लेक ले लेते थे बस। गाड़ी वाड़ी से आपको भी नहीं पता कि यूपी के इतने बड़े डॉन है? कभी ऐसे नहीं, मैं गुजराती समझता था। मलाड की इस इमारत में आने से पहले मुन्ना बजरंगी ने मुंबई के समुद्र को बना रखा था अपना ठिकाना। 7 लाख का इनामी बदमाश मुन्ना बजरंगी मुंबई के दरिया में खड़े समुद्री जहाजों में रहता था छिपकर पुलिस की नजरों से। मुन्ना ने बनाया समुद्र में ठिकाना। लेकिन उसके गुनाह से परेशान था जमाना पर जमीन पर उतरा तो जंजीरों में जकड़ा। ये है मुन्ना बजरंगी। दिल्ली पुलिस के स्पेशल सेल के कब्जे मुंबई के मलाड इलाके में पकड़ा गया कल। डीसीपी श्री संजीव कुमार यादव की नेतृत्व में एक टीम जिसमें इंस्पेक्टर हृदय भूषण और इंस्पेक्टर ललित मोहन नेगी थे। ये एक केस के सिलसिले में बॉम्बे गए। वहाँ इन्होंने नामी गैंगस्टर प्रेम प्रताप सिंह एलियस मुन्ना बजरंगी को
अरेस्ट किया। सालों से कई राज्यों की पुलिस और सीबीआई कुख्यात माफिया मुन्ना बजरंगी की तलाश में जुटी हुई थी, लेकिन मुन्ना बजरंगी को दिल्ली के एक बड़े बिजनेसमैन से रंगदारी वसूलना भारी पड़ गया और दिल्ली पुलिस ने उसे मुंबई से गिरफ्तार कर लिया। अब दिल्ली पुलिस उससे ये पूछताछ करने में जुटी है कि कहीं मुंबई में उसके अंडरवर्ल्ड से तो किसी तरह के रिश्ते नहीं बन गए थे। 1998 दिल्ली। 11 साल पहले दिल्ली पुलिस के एनकाउंटर स्पेशलिस्ट राजवीर सिंह ने ही कुख्यात माफिया मुन्ना बजरंगी को गिरफ्तार किया था। वर्ष 2008 में जब एसीपी राजवीर सिंह की हत्या हुई तो इस बात की चर्चा जोरों पर थी कि मुन्ना बजरंगी ने ही एसीपी राजवीर सिंह की हत्या उनके ही बिजनेस पार्टनर विजय भारद्वाज के हाथों करवाई है। लेकिन अब जब मुन्ना बजरंगी दिल्ली पुलिस की गिरफ्त में है तो दिल्ली के पुलिस कमिश्नर YS गढ़वाल ने साफ कर दिया है कि एसीपी राजवीर सिंह की हत्या से मुन्ना बजरंगी का कोई लेना देना नहीं है, जिसके बाद इसे नैनी जेल भेजा गया जहां से ये जमानत पर रिहा हुआ और अब 11 साल बाद एक बार फिर दिल्ली पुलिस के हत्थे चढ़ा मुंबई। 7 लाख रुपए के इस इनामी बदमाश मुन्ना बजरंगी पर नवंबर 2005 में बीजेपी विधायक कृष्णानंद राय की हत्या, 2003 में बीजेपी नेता अनिल राय की हत्या, 1996 में बीजेपी नेता रामचंद्र सिंह की हत्या के आरोप। इसके अलावा इस पर 40 से अधिक गुनाह दर्ज है। यूपी पुलिस के 2 लाख और सीबीआई के 5 लाख रुपए का ये इनामी बदमाश मुन्ना बजरंगी 11 साल से फरार था। वो पुलिस की पकड़ में आए बिना गुनाहों को अंजाम दे रहा था और छिपकर अपने गुनाह का निजाम चला रहा था। मुंबई में समुद्र के बीच खड़े जहाजों में अपना डेरा जमाने वाले मुन्ना बजरंगी कभी मोबाइल फोन का इस्तेमाल नहीं किया। वो पीसीओ से फोन पर संपर्क साधता था और जब इस रणनीति का पता पुलिस को चला तो इन्हीं पीसीओ बूथ का पीछा करते हुए पुलिस ने इसे थर दबोचा। गाजीपुर गाजीपुर आइए भैया आइए आइए गाजीपुर आइए गाजीपुर। वाराणसी में बस कंडक्टरी करने वाले मुन्ना बजरंगी ने नाबालिग उम्र में ही गुनाह की दुनिया में कदम रख दिया। और फिर पूर्वांचल AK-47 के साथ अपराध करने वाला पहला अपराधी बना मुन्ना बजरंगी। मुन्ना कबड्डी का माहिर खिलाड़ी था, लिहाजा सांस रोकने में भी महारत थी उसे और इसी वजह से वो कई एनकाउंटर में अपनी जान बचा पाया। पुलिस ने सोचा मर गया पर मुन्ना तो जिंदा था। पूर्वांचल में बादशाहत की जंग लड़ रहे मुख्तार अंसारी और ब्रजेश सिंह में से मुख्तार के साथ जुड़ा मुन्ना बजरंगी और ब्रजेश सिंह के साथियों के खिलाफ गोली चलाने लगा। कृष्णानंद राय की हत्या मुन्ना का एक ऐसा ही गुनाह था जिसने पूर्वांचल में उसको गुनाह के शिखर में बिठा दिया। अंडरवर्ल्ड के रास्तों में चलते हुए एक छोटे से प्यादे मुन्ना बजरंगी ने लाशों की सीढ़ी पर चलते हुए रेलवे के ठेके और कोयले की ठेकेदारी में अपने हाथ काले किए तो पैसा भी कमाया। 11 साल में उसका चेहरा मोहरा और पहनावा सब बदल गया। पुलिस के बीच महंगी स्काई ब्लू शर्ट पहने मुन्ना बजरंगी कहीं से क्रिमिनल नहीं दिखता और यही बदलाव उसे अब तक पुलिस की निगाहों से बचा रहा था। पर अब जबकि मुंबई के मलाड से पकड़ा गया मुन्ना बजरंगी तो जेल में उसके साथ उसके बॉस मुख्तार अंसारी और दुश्मन ब्रजेश सिंह दोनों। जब आप हिंसा का रास्ता अपनाते हैं तो आपकी नियति आपका खात्मा भी हिंसा से ही होता है, मगर ये कहने के बावजूद हम ये कहना चाहेंगे कि जेल में जिस तरह से मुन्ना बजरंगी की हत्या हुई वो कई सवाल खड़े कर रही है हमारी व्यवस्था के ऊपर, क्योंकि जेल मंत्री कोई और नहीं बल्कि योगी आदित्यनाथ हैं। ये है ABP News, आपको रखे आगे।